कभी आपने सोचा है कि स्पॉन्सर्ड बाय और पावर्ड बाय में डिफरेंस क्या है? ये है इस दुनिया का सबसे बड़ा QR कोड जो स्कैन भी हो सकता है, और इस इमेज के खुलासे के बाद आप हैरान हो जाओ। ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहे। फैक्ट नंबर 17। इस इमेज को देखने के बाद आपको ये कुछ शीशे जैसा लग रहा होगा, पर असल में ये राइस के फील्ड है, यानी चावलों के खेत का टॉप का व्यू है। फैक्ट नंबर 16। वैसे तो आपने अपने फ़ोन में QR कोड तो स्कैन किया ही होगा, पर क्या आपको पता है चाइना के लोगों ने सिलुंगचे गांव में 1,30,000 पेड़ की मदद से वर्ल्ड का सबसे बड़ा QR कोड बनाया है जो स्कैन भी हो सकता है। फैक्ट नंबर 15। आपने कभी सोचा है स्पॉन्सर्ड बाय और पावर्ड बाय में क्या डिफरेंस है? दरअसल स्पॉन्सर्ड बाय और पावर्ड बाय मार्केटिंग से रिलेटेड शब्द है, और इनको आपने ज़्यादातर रियलिटी शोज और मूवीज में देखा होगा। तो चलिए बात करते हैं पहले स्पॉन्सर्ड बाय की। स्पॉन्सर्ड बाय का मतलब होता है किसी कंपनी द्वारा किसी शो का कुछ परसेंट खर्चा उठाना, और बदले में वो शो उस कंपनी का प्रमोशन करता है। और पावर्ड बाय का मतलब होता है कि किसी कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनाया है वो शो को यूज़ करने के लिए देता है, और उसके बदले में शो को उस प्रोडक्ट का प्रमोशन करना होता है। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको इस दुनिया के सबसे बड़े शूज़ के बारे में पता है? नहीं तो इसे देखिए, ये शूज़ दुनिया के सबसे बड़े शूज़ हैं, और ये 17 फीट लंबे और 8 फीट चौड़े हैं। इस शूज़ में 30 लोग रह सकते हैं। फैक्ट नंबर 13। इंडिया में या किसी और देश में नूडल्स खाते वक्त आवाज़ करना बैड मैनर्स होता है, और अगर आप आवाज़ करते हो तो बाजू में बैठे लोग आपको बदतमीज समझते हैं। पर जापान में इसका उल्टा है, अगर आप नूडल्स खाते वक्त आवाज़ करते हो तो वहाँ के लोग सोचते हैं कि आपको खाना अच्छा लगा। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है जो हमारा अर्थ है वो साउंड प्रूफ है, बल्कि जो यूनिवर्स है वो भी साउंड प्रूफ है, और अगर ये ना होता तो आपको सन की बर्न होने की आवाज 100 डेसिबल तक आती। फैक्ट नंबर 11। इंटरनेट कितना बड़ा है ये तो आपको पता ही होगा, और इंटरनेट पे कितना कुछ है, जैसे कि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो, पर क्या आपको पता है इंटरनेट का वजन कितना होगा? इंटरनेट का पूरा वेट एक स्ट्रॉबेरी के वेट के जितना है। फैक्ट नंबर 10। मैं आपको एक फ्लावर की इमेज दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद आपको अपनी आंखों पे यकीन नहीं होगा। इन फ्लावर का नाम है एंगुलिया यूनिफ्लोरा। ये फ्लावर कुछ ऐसे दिखते हैं जैसे कि कोई बच्चा स्वेटर के अंदर सो रहा होगा। आप इसे गूगल पे सर्च करके भी देख सकते। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है जो कार्स में एयरबैग्स होते हैं उनके अंदर कौन सी गैस होती है? जो कार में एयरबैग होते हैं उनके अंदर सोडियम एजाइड नाम की कोई गैस होती है। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है जो हनी बी होती है वो माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर उड़ सकती है? फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पेड़ फिलीपींस के लोगों ने एक आवर में लगाए थे? फिलीपींस के लोगों ने एक आवर में 3.2 मिलियन पेड़ लगाए थे। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है स्नेक्स को 120 किलोमीटर की दूरी पे और 5 डेज पहले ही अर्थक्वेक के आने का पता चल जाता है? फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है मंकीज और ह्यूमंस का डीएनए 98% सेम होता है? फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है जो जुगनू होते हैं वो बिना खाए पिए जिंदा रह सकते हैं? फैक्ट नंबर 3। आपको पता है इंडियन नेवी का फादर किसे कहा जाता है? इंडियन नेवी का फादर छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2। आपको पता है दुनिया का सबसे महंगा एप्पल जापान में मिलता है जिसका नाम सिकाई ईची है? फैक्ट नंबर 1। क्या आपको पता है बॉर्डर्स पर हमेशा बोतलें क्यों टंगी होती है? बॉर्डर्स पर बोतलें इसलिए टंगी होती है ताकि कोई घुसपैठ कर रहा हो सैनिकों को पता चल जाए, और वो घुसपैठ करने वाले को घुसपैठ करने से रोक पाए।